हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर एकता। मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी 9 ग्रह और उससे रिलेटेड फूड आइटम्स के बारे में। उसी वीडियो को मैं आगे कंटिन्यू करके आज आपको इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ कुछ ऐसे फूड आइटम्स जो आपको एनर्जाइज करने में हेल्प करेंगे। सो नंबर 1 पे आता है फ्रेश फ्रूट्स एंड फ्रेश वेजिटेबल्स। जितना ज़्यादा कलरफुल आपका प्लेट होगा उतना ही ज़्यादा कलरफुल आपका लाइफ होगा। इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जब भी आप कोई रेमेडीज़ परफॉर्म करते हैं या फिर कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में एंगेज है तो आपको एनर्जेटिक रहना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसके लिए आपको सात्विक आहार इम्पॉर्टेंट है। तो आपके बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी मिले इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेश फ्रूट्स और फ्रेश वेजिटेबल्स का सेवन करें। गुड फैट्स, ये भी आपकी बॉडी में एनर्जी देने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। गुड फैट से मेरा मतलब है कोकोनट ऑयल, अवोकेडोज या फिर अलग अलग तरीके के नट्स। अगर आप इनका सेवन नियमित रूप से करते हैं तो आपकी बॉडी एनर्जेटिक रहने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और इसका डायरेक्ट कनेक्शन आपके मेंटल लेवल पे होगा। नंबर 3 पे आता है हनी। हनी नेचर से हमारे लिए एक बहुत ही ज़्यादा प्रेशियस गिफ्ट है। हनी सूदिंग है, हनी एक हीलर है, हनी एंटीबैक्टीरियल है, एंटीवायरल है और इसके एन नंबर ऑफ क्वालिटीज़ है। तो अगर आप हर रोज़ सुबह गुनगुने पानी में एक चम्मच हनी और आधा नींबू का जूस डाल के अगर उसे डेली पियेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी बॉडी कितनी ज़्यादा एनर्जेटिक रहेगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्प्राउटेड ग्रेन्स एंड सीरियल्स। अगर आप ब्रेकफास्ट में हमेशा स्प्राउट्स खाते हैं तब भी आपके दिन की शुरुआत एक एनर्जेटिक फूड के साथ होगी और उसका डायरेक्ट कनेक्शन आपके मेंटल लेवल पे होगा, आपका वर्क परफॉर्मेंस बेटर होगा और आप दिन भर एनर्जेटिक फील करेंगे। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ 4 ऐसे फूड जो आपकी एनर्जी को सबसे ज़्यादा ड्रेन करते हैं। तो सबसे पहला फूड है मीट। मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ कि आप नॉनवेज का सेवन मत कीजिए, लेकिन जो लोग एनर्जी, वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी के बारे में जानते हैं वो लोग समझते हैं कि नॉनवेज से फियर जैसी फ्रीक्वेंसीज आती है। बिकॉज जिन जानवरों को मारा जाता है उस समय जानवरों के माइंड में फियर रहता है, डर रहता है मौत का। तो इसलिए जो लोग नॉनवेज का सेवन ज़्यादा करते हैं, मीट का सेवन ज़्यादा करते हैं, वो लोग जनरली फियरफुल रहते हैं या फिर उनके माइंड में किसी भी गोल को लेकर क्लैरिटी नहीं होती। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपको दिन भर एनर्जेटिक रहना है, बिकॉज मीट को डाइजेस्ट होने में भी बहुत टाइम लगता है, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपका आहार शुद्ध और सात्विक हो। तो जो लोग भी पैनिक अटैक्स या फिर फियरफुल थॉट्स से परेशान है वो लोग कुछ दिनों के लिए नॉनवेज का सेवन बंद करके देखिए, आपको दिन ब दिन फर्क महसूस होगा। नंबर 2 पे है वीट यानि गेहूँ और कॉर्न यानि मक्का। वीट और कॉर्न का जो लोग ज़्यादा सेवन करते हैं वो लोग भी बहुत ज़्यादा लिथार्जिक रहते हैं। नंबर 3 पे है हाइड्रोजनेटेड फैट्स। हाइड्रोजनेटेड फैट्स आपके आर्टरीज को ब्लॉक करते हैं और आपके माइंड और बॉडी को सुस्त बना देते हैं। इसलिए मैंने पहले भी बताया कि आप फ्रेश लीफी वेजिटेबल्स का और फ्रूट्स का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें और हाइड्रोजनेटेड फैट्स को टोटली अवॉइड करें। नंबर 4 पे है कमर्शियल और प्रोसेस्ड शुगर। भले ही हनी एक नेचुरल फॉर्म ऑफ शुगर है तो आप उसे लिमिटेड क्वांटिटी में कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा वाइट शुगर जैसी चीज़ें टोटली अवॉइड करनी चाहिए। अगर आप इन फूड हैबिट्स को अपनाएंगे और साथ ही साथ एस्ट्रोलॉजिकल या स्पिरिचुअल रेमेडीज करेंगे तो आप डेफिनेटली अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस फील करेंगे। आज का ये मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।